नमस्कार, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, मैं आपकी सेवा में मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे रहता हूं, और संडे को क्योंकि दिन भर टेस्ट होती है तो उसका डिस्कशन होता है, ढेर सारे क्लास लाइव रहते हैं। उस बीच आपकी क्लास 10 बजे से संडे को रहता है, और सैटरडे एक दिन में रिलैक्स में रहता हूं ताकि आप लोग की सेवा में कोई कमी ना रहे और हमारी फिटनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो आइए दोस्त, क्लास करते हैं स्टार्ट। आप लोग तैयार हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक का एक बटन प्रेस करते हुए क्लास की शुभारंभ करेंगे, है ना? लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से है। आज के 9th-10th का क्वेश्चन है ये। दो प्राकृत संख्या का एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ 3 है, संख्याओं का अंतर 27 है, तो संख्या का योग क्या होगा? सबसे पहले देखिए, दो संख्या का एचसीएफ अगर 3 है तो निश्चित तौर पर दोनों संख्या 3 का ही मल्टीपल होगा, है ना? एक को 3, एक को 3 भी कह रहे हैं, ताकि 3 को मना के एचसीएफ हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, इसी का अंतर दिया है 27। तो अगर 3a और -3b हमारे पास 27 है तो a माइनस बी का मान तो 9 हो ही जाएगा। आप कहोगे हाँ। अब इन्हीं दोनों का एलसीएम दिया है 1326। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? तो मेरे दोस्त, अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो जो दोनों में कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए, और जो कॉमन नहीं है आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यही आपके एलसीएम हो गया, और एलसीएम है 1326। अब यहां से अगर हम ए बी का मान फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं 4 × 12 = 4 × 12 2 × 6। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें ए और बी का प्रोडक्ट 420 दिखता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, 3 और 3b में 3 अगर एचसीएफ है, एचसीएफ 3 था इसलिए नंबर 3 और 3b माने हैं, जब इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 कॉमन आ गया तो अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी ए और बी जो है वो को प्राइम है। तो ए और बी ऐसा दो मान है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। दोनों का अंतर यहां पर 9 है और दोनों का गुणनफल 442 है। मैं कहूंगा कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट 442 है ना, 442 को ही थोड़ा सा मेरे दोस्त टुकड़ा बना लो, 442 को ही थोड़ा सा अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हमें क्या दिखता है मेरे दोस्त, 2 × 221। 221 का मतलब होता है क्या, 13 और गुने में 17। ठीक है, तो इस प्रकार 442 2 × 13 × 17 हो गया। ठीक है, तो अब मेरे दोस्त वहां पर ऐसा दो ग्रुप बनाओ, गुना करने से इतना अंतर 9, अंतर 9 अगर रखना है तो ऐसे रखना होगा 26 और 17 का। ठीक है, 26 और 17 का अगर रखेंगे तो 26 − 17 9 भी हो जाएगा, और 26 × 17 442 भी हो जाएगा। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा कि ए का मान 26 और बी का मान 17 रखने से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमसे इन दोनों का योग ही तो मांगा है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, ए का मान 26 है, बी का मान 17 है, तो 3 × 43 हो जाएगा, यानी 129 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अतः हम ये कह सकते हैं 129 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहला सवाल था थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन था, तो मेरे दोस्त ढंग के जो क्वेश्चन होंगे उसको तो मेरे दोस्त उसी तरह से आपको करना होगा, है ना? चलिए, रमन गोस्वामी, भगवान से पूजा करता हूं कि आपकी तबीयत ठीक रहे, धन्यवाद मेरे दोस्त, और मैं भी आपकी सेवा में किसी तरह की कमी नहीं रखने की पुरजोर कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। ठीक है, चलो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दोस्त देखो, जो क्वेश्चन जिस तरीके से आपके लिए बेस्ट हो सकता है मैं उसी बेस्ट तरीके का प्रयोग करूंगा। ठीक है, आओ, धातु के एक पाइप की लंबाई 756 मीटर है, बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं दी हुई है,
एक सेमी क्यूब वजन 7.5 ग्राम के बराबर है, तो बताइए इसकी धारिता क्या होगी। देखो दोस्त मेरे, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप करने लग जाओगे तो इतना याद रखना कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है और आपको मेरे दोस्त कैलकुलेटिव बनाना ही होता है। तो कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आपको करना होगा। सबसे पहले मैं ये सेमी देखा, ये सेमी देखा, वजन भी सेमी में देखा है, तो मेरे दोस्त मैं तुरंत इस वेट मीटर को सेमी में कन्वर्ट करूंगा। 7.56 मीटर का मतलब होता है 756 सेमी, तो उसे मल्टीप्लाई किया सेमी में बदल जाएगा, ठीक है। और अब तो मेरे दोस्त ये हमारे पास एक खोखला पाइप है जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दी हुई है, साथ ही साथ लंबाई दिया हुआ है पाइप का। पाइप का हमको वजन चाहिए तो वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। और यदि खोखला बेलन है तो पाइप बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर और इंटू अपना एच हो जाएगा। तो पाइप का मान 22/7, तो ये देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये होता क्या है, ये मेरे दोस्त ए प्लस बी, सुनिए क्या हम इसको आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर नहीं कर सकता हूं क्या? आपको क्यों नहीं कर सकते हैं? जब आप ए प्लस बी करने जाएंगे तो मेरे दोस्त आपको चार नजर आएगा, जब r माइनस आर करने जाएंगे तो मेरे दोस्त एक नजर आएगा, और इंटू क्या, तो इंटू हमारा है 756 सेमी। अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले अगर तो 108 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्त, ये 22 है हमारा और ये हमारा हो जाएगा 432, इतना सेमी क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इतना सेमी क्यू आपको दिख रहा है ना, और आप क्या जानते हैं एक सेमी क्यू का वजन 7.5 ग्राम है, तो एक पॉइंट ध्यान देना, एक सेमी क्यू का वजन अगर 7.5 ग्राम है तो इतना सेमी क्यू का वजन क्या होगा, तो इसमें आप 7.5 ग्राम से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा पूरा ग्राम में बदल जाएगा, लेकिन हमें आंसर केजी में चाहिए तो तुरंत आपको 1000 से भाग देना होगा। आप जैसे ही भाग देंगे 71.28 इतना केजी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त जहां भी आपको सॉल्व करना होगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, तो वहां आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाटर फ्लो वाला क्वेश्चन भी सेट करिए, हाँ ठीक है, आपको जो एग्जामिनेशन में आपके लिए उपयोगी होगा हम लोग उस सब कुछ सेट करेंगे, ठीक है। आइए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, जहां मैं आपको फिर वही बात कहूंगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए 7500 रुपए वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है मेरे दोस्त, 8% प्रतिवर्ष की दर से डेढ़ वर्ष के लिए निवेश की जाती है, हमें कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन क्या होगा। मेरे दोस्त सबसे पहले ये कैसा हो रहा है, ये अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, ठीक है, अगर हाफ ईयरली है तो 8% का जो रेट है ये तो वार्षिक रेट है, अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो 4% रेट हमारा काम करेगा, ठीक है। अब 4% मेरे दोस्त हमारा रेट काम करेगा और हमसे क्या मांगा, अमाउंट मांगा है, कौन सा तरीका अपनाऊं, कैसे सॉल्व करूं, ये सबसे बड़ी समस्याएं हो जाती है। तो मेरे दोस्त मैं यहां यही कहूंगा कि आज अगर आप 4% को 1/25, 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26 करोगे तो वहां भी कैलकुलेशन आपके लिए आसान नहीं रह जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन तो करना होगा, दूसरा कोई उपाय है भी नहीं, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्त कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। 4% का मतलब है 1/25 से आपका पैसा बढ़ेगा, यानी 25 प्रिंसिपल जो हर संयोजन में एक बढ़कर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर प्रिंसिपल हमारे पास 7500 है ना, तो ये प्रिंसिपल हर साल अपने आप का 26/25 होता रहेगा, अपने आप का 26/25 और मेरे दोस्त अपने आप का 26/25, ठीक है। अब हम यहां से यही चीज देख रहे हैं, 25 से तो ये हमारा कट गया 30, 25 या 75, फिर 25 से काटेंगे 12 में कटेगा, लेकिन मेरे दोस्त क्या ये कैलकुलेशन आसान होगा, नहीं, गुना तो आपको करना होगा। यहाँ मैं चाहूंगा कि 25 से भाग ना देना पड़े बाद में, तो 4 से नीचे गुना और 4 से ऊपर गुना कर लीजिए, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि नीचे आपका 100 हो जाएगा, ओके मेरे दोस्त, और ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई जैसे ही आप करते हैं, ठीक है, तो ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, देखिए ऐसे तो आप यहां पर डीएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन में हम ये देख पा रहे हैं कि डीएस का मामला अलग अलग है। तो चलो हम यहां पर डीएस ही यूज कर लेते हैं, ज्यादा टेंशन क्या ही लेना, ठीक है ना। आइए, तो ये हमारा मेरे दोस्त 48 है, ये हमारा 26 है, ये हमारा 26 है, और ये भी हमारा 26 है, ठीक है। और अप्रोक्स में तो आंसर जाना नहीं है, पूरा पूरा मेरे दोस्त गुना होके आंसर आएगा। तो आइए ना हम डीएस यूज करते हैं। हम देखिए डीएस कैसे यूज करेंगे, 8 4 12 12 का डीएस तो हो जाएगा 3 मेरे दोस्त, ठीक है भाई। और ये 6 2 8 8 ही रहेंगे। अब यहां से देख रहे हैं 8 8 8 512 512, और तिया कितना हो जाएगा, ये 1536, यानी कि यहां पर अगर हम डीएस देखने जाएंगे तो 6 3 9 9 5 14 14 1 15, यानी कि आपको मेरे दोस्त यहां पर डीएस कितना दिखेगा, 6 दिखेगा। तो 6 डीएस दिख रहा है हमारे आंसर का, देखते हैं क्या ऑप्शन में कहीं पर 6 डीएस हमें नजर आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं यहां पर मेरे दोस्त सबसे पहले 6 4 10 10 8 18, मतलब 9 या 9 का मल्टीपल होगा तो उसको छोड़ते चले जाना, 8 5 13 13 4 17, डीएस 8 हो जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं जाएगा। दूसरी बात, हम यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट 8 आएगा तो सबका यूनिट डिजिट है, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं हम 8 7 15 3 18, ठीक है, 6 4 10 10 8 18, तो मतलब यहां पर हमें ये दिखा 18 18 36, यानी मेरे दोस्त यूनिट यहां पर हमारा डिजिटल सम मेरे दोस्त यहां पर 9 नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात यहां करते हैं तो देखिए 6 4 10 8 18, ओके इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद 8 4 12 12 3 15 15 का डीएस 6, बिल्कुल डीएस 6 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से सी को आंसर बना सकते हैं। बाकी अगर आपको डीएस समझ में नहीं आया होगा तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा जो कि आप वहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डीएस का इस्तेमाल तो यहां पर आपको करना होगा और गुना भाग करना होगा। अगर आप डीएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको गुना करना होगा, और गुना करने के बाद, ठीक है, 84 3648 और अपॉन में 100 दिखेगा, जो मेरे दोस्त हमारा 84 36.48 ये आपका नजर आएगा। तो कैलकुलेशन जहां पे करना होगा वो तो आपको करना होगा, दूसरा कोई उपाय होता भी नहीं है, ठीक है। अरे मेरे दोस्त कितना भी मेथड चेंज कर लो, काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। ये देखो मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स यानी 12th का क्वेश्चन, 11th 12th का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको कौशलेंद्र सर जैसे ही आते हैं आपको इसका डिस्कशन कराया जाएगा, ठीक है। मैं आपको 11th 12th के लिए प्लेटफॉर्म में स्पेशलिस्ट एक हैं, कौशलेंद्र सर हैं, जिन्हें आप भली भांति जानते हो, तो वही आपको 11th 12th के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए मेरे दोस्त अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये हमें लिखा है कोसेक थीटा बराबर 13/12, तो बताइए सर इसका मान इनमें से कौन हो जाएगा। अब देखो ना कोसेक क्या होता है मेरे दोस्त, कर्ण, और बटे में लंब, आधार निकालेंगे 5 हो जाएगा, साइन, साइन तो होगा पी बाई एच, तो ये तो 12/13 ही होगा, कॉस बी बाई एच, बी बाई एच करेंगे तो 5/13 हो जाएगा, माइनस 10 क्या होता है, 10 तो आपका पी बाई बी होता है, तो लीजिए मेरे दोस्त पी है 5 और बी है आपका, पी है 12 और बी है आपका 5, यहां आप देखेंगे तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 17/13 और माइनस 12/5, यहां पर आपका 65 हो जाएगा, 17/85 और ये हमारा 156, क्योंकि 13/5 तो 65 नीचे आ गया। अब जैसे ही हम इसको घटाएंगे -71/65 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। ऐप पे पेड़ से मैथ आसान हो गया। चलिए थैंक यू वेरी मच। आइए मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये देखिए ये क्या है, कहता है किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था, यदि टावर 45 मीटर ऊंची तो प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था। देखिए
ये हमारे पास, मैं आपको बताता हूं, एक प्लेटफॉर्म है जो 5 मीटर की हाइट पर है, ठीक, और एक मेरे दोस्त टावर है जो बिल्कुल धरती पर खड़ी है, और इस टावर की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 45 मीटर, ठीक है। अब आप यहां देखिए दोस्त, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है, ओके। अब आप क्या कीजिए कि प्लेटफॉर्म के शिखर से, सिर से, हमें कहा टावर के सिर का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, तो वो मेरे दोस्त हमारा हो गया है 30 डिग्री। क्या कोई परेशानी है? नहीं ना। चलिए अब आप देखिए इसको, अब ये देखिए, ये 5 तो हमारा, ये भी 5 होगा बिल्कुल, पूरा 45 में अगर ये 5 है तो ये हमारा क्या होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। लीजिए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितने होंगे, 1, और बेस कितने हो जाएंगे, √3। जब 1 का मान 40 है तो √3 का मान क्या होगा, 40√3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्लेटफॉर्म से टावर की जो दूरी होगी वो 40√3 होगी। आपने बनाया भी होगा, आपको आंसर आया भी होगा, ठीक है भाई। चलिए खुशबू जी, गुड़िया जी, डॉली जी, सब लोग अच्छे बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुनील भाई, संजय जी, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है ये मेरे दोस्त, इसे हमें कहा गया कि सर एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, तदनुसार उस सड़क की बाहरी और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 66 है, आप सड़क की चौड़ाई बताइए क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये मेरे दोस्त हमारा एक सड़क है, ठीक है। आप ये देखो ना, अगर ये हमारा बाहरी त्रिज्या है और ये हमारा अगर आंतरिक त्रिज्या है, आप जानते हैं सड़क की चौड़ाई किसको बोलते हैं, ये है मेरे दोस्त सड़क की चौड़ाई। तो अगर आप यहां पर बड़ी आर में से छोटी आर घटा देते हैं तो इसी को मेरे दोस्त सड़क की चौड़ाई मानते हैं, है ना, यानी कि बड़ी आर में से छोटी आर हटा दो, यह सड़क की चौड़ाई हो गई, ओके दोस्त। अब आप देखिए हमें दिया हुआ क्या है, बाहरी वृत्त की परिधि यानी 2π बड़ी आर, अंदर वाले वृत्त की परिधि यानी 2π छोटी आर, इन्हीं दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, 66, ठीक है। अब 2π का मान 22/7, ये हमारा कॉमन आएगा, तो यहां से आर, ये हमारा छोटी आर, ये हो गया हमारा 66। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आर माइनस आर क्या होगा, 10.5 हो जाएगा, कैसे, 22/66 21/2 यानी 10.5, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10.5 मीटर, ठीक है। आइए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। देखिए 78 क्या है हमारा मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन हमसे कहा कि दो लीनियर इक्वेशन यानी दो लाइन मैं दे देता हूं और आप ये जान लो कि ये आपस में संपाती, ठीक है, कोइंसिडेंट बनाती है। कोइंसिडेंट की जो सिचुएशन है वो a1/a2, b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। अब देख, फर्स्ट इक्वेशन में x की जो कोफिशियंट है ये हमारा a1 है, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशियंट हमारा 3 है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशियंट हमारा 2 है और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशियंट हमारा k है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यहां पर हमें k का वैल्यू 6 नजर आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। कभी इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होते हैं, ये भी मैं भी ये बात जानता हूं, ठीक है। आइए चलते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये कह रहा है एक रोमबस का एरिया 24 मीटर स्क्वायर, अगर एक डायगोनल 8 मीटर हो तो रोमबस की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहली बार 1/2 d1 × d2, ये हमारे रोमबस का एरिया हो गया जो दिया हुआ है 24 मीटर स्क्वायर। अब यहां से अगर हम d2 बनाते हैं, 4 और 4 से मेरे दोस्त ये 6 बार में कट जाएगा, ये हमारा d2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या ये रहा एक रोमबस, ओके, और रोमबस की ये अपना डायगोनल है, रोमबस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, यानी दोनों डायगोनल यहां पर बाइसेक्ट हो जाती है। एक डायगोनल 8 पहले से था, एक 6 दोबारा से निकल गया,
तो जो आठ डायगोनल था वो चार और चार में बटेगा, जो छह था वो तीन और तीन में बटेगा। मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि क्या ये हमारा, ध्यान दो, क्या ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर आधार और लंब है तो कर्ण कितने हो जाएंगे? पांच। तो मेरे दोस्त इस तरह से कर्ण हमारा 5 मीटर हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो ये कर्ण जो है ना, यही रोमबस का साइड है मेरे दोस्त। आइए अब बात हम इसकी करते हैं, एकदम ध्यान से आराम से देखिए। इन्होंने कहा कि 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64,000 रुपए की राशि उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपए चुकाता है। ऐसी तीन किस्तों के भुगतान के पश्चात बकाया राशि क्या होगा, ये बताइए। मेरे दोस्त जानते हैं, ये जो अभी आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप चेन रूल से बना सकते हैं या चेन रूल का क्वेश्चन कह सकते हैं। हर वर्ष के अंत में पैसा चुकाया जा रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, आपने कर्ज कितना लिया? आपने कर्ज लिया है 64,000। ठीक है मेरे दोस्त, साल, पूरा साल जब आप इसे रखेंगे तो 25% यानी 1/4 आपको इंटरेस्ट लगेगा। और यदि आप 1/4 निकालते हैं, इसका 1/4 निकालेंगे तो 16×64 16,000 इंटरेस्ट बनेगा। 64,000 में 16,000 ऐड कर देंगे तो ये आपका 80,000 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लास्ट में पैसे हो जाएंगे। अब इनमें से अगर आप 3200 रुपए चुका देते हैं तो मेरे दोस्त यहां से ये 76,800 रुपए बच जाता है। और ये अब जो 76,800 रुपए हैं, फिर मेरे दोस्त दूसरा पूरा साल ये आपके पास रहेगा, तो इस पर 25% इंटरेस्ट यानी 1/4 इंटरेस्ट बनेगा। तो क्या, तो 4 से देखिए ना, 19×76 4×2 8 19,200 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। जब आप उसको इसमें ऐड करते हैं तो 76 और 19 95 96 96,000 रुपए आपका दूसरे साल के लास्ट में हो जाता। फिर दूसरे साल के लास्ट में आप 3200 रुपए पे कर देते हैं तो मेरे दोस्त बच कितना जाता है, 5 में से 3 गया तो 2, आप देखेंगे 92,800 रुपए ये आपके पास बच गया है। ठीक है, अब मैं आपसे यही कहता हूं कि ये जो मेरे दोस्त 92,800 रुपए जो बचा हुआ है, तीसरे साल जब इस पर 25% इंटरेस्ट यानी 1/4 लगेगा तो देखिए ना, 23×92 ठीक है और 2×8 23,200 हमारा ब्याज बनेगा। आप जैसे ही इसको ऐड करते हैं तो 115 × 116 ठीक है 100,000 मेरे मित्र, ये 116,000 रुपए आपका टोटल हो जाता है। ठीक है, और अब इनमें से आप फिर से तीसरे साल के अंत में 3200 रुपए दे देते हैं तो बच कितना जाएगा, 008 और यहां 5 में से 3 गया तो 2 और मेरे दोस्त 11 रह जाएंगे, यानी कि 112,800 रुपए ये आपका बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरे दोस्त आपको काम करना होगा। ठीक है, ये देखिए चेन रूल का सवाल है। मैंने कर्ज लिया, इंटरेस्ट बनी, साल के अंत में लौटा दिया, फिर मेरे दोस्त जो पैसे बचे अगले साल इस पर इंटरेस्ट बनी पैसे लौटा दिए, ठीक है इंटरेस्ट बनी ऐड कर दिए पैसे लौटा दिए, जो बचा उस पर फिर तीसरे साल इंटरेस्ट बनी, टोटल जो हुआ उसमें जो देना था दे दिए, अब क्या बच गया। तो हमसे क्वेश्चन यही कहा था कि सर 3200 का जब आप 3 आंशिक भुगतान करेंगे तो उसके बाद कितने पैसे बच जाएंगे, 112,800 रुपए ये पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए। ये तो सिंपल सा एससीएफ का सवाल है। जब भी फ्रैक्शन का एससीएफ निकालना है, एससीएफ आपको न्यूमेरेटर का निकालना होगा और एलसीएम आपको डिनोमिनेटर का निकालना होगा।
ऊपर सब में से कॉमन तो दो आएंगे और नीचे एलसीएम देखोगे तो 81 नजर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये तो हो गया होगा। अब देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री का एक अच्छा सवाल है, आप इसको थोड़ा समझिएगा कि किस हिसाब से इस सवाल को बनाया जा सकता है। देखो दोस्त, एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, 1 + sin A, ओके, 1 + sin B और 1 + sin C, 1 + मेरे दो साइन सी, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में LHS में है और यही चीज RHS में लिखा हुआ है, लेकिन साइन चेंज है। RHS में लिखा है 1 - sin A, 1 - sin B और मेरे दोस्त 1 - sin C, ठीक है। ये जब भी क्वेश्चन आता है तो आपसे यही पूछा जाता है इच साइड किसके बराबर है ना, इच साइड यानी ये साइड या ये साइड किसके बराबर है। अरे एक्चुअल में है तो दोनों सेम ही, तो हमें यही कहता है कि अगर ये दोनों सेम है तो मुझे ये बताओ इनमें से प्रत्येक किसके बराबर है। तो मेरे दोस्त बड़ा ही सिंपल आपको मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी अस्थिर रख लो और किसी एक को टारगेट करके आप सवाल बना लो। जैसे मैं मेरे दोस्त अभी इसको अस्थिर रख रहा हूं, इसको टारगेट करके क्वेश्चन बना रहा हूं, और जब जिसको भी आप टारगेट करोगे यहां पर आपको बस एक ही काम करना है, साइन चेंज करके उसी से दोनों तरफ गुणा कर देना, ठीक है। मैं इसको टारगेट कर रहा हूं तो मेरे दोस्त करूंगा क्या, यहां पर 1 - है ना, तो 1 + sin A से गुणा है ना, 1 + sin B मेरे दोस्त यहां पर, और 1 + sin C मैंने क्या किया, जिसको मैंने टारगेट किया था उसका चिन्ह बदल के गुणा कर दिया। क्या आप गुणा सिर्फ RHS में करेंगे? नहीं, आपको गुणा LHS में भी करना होगा, यानी सेम चीज से 1 + sin A जिससे आपने उधर गुणा किया है उसी चीज से, ठीक है भाई। 1 + sin A, 1 + sin B और 1 + sin C, ठीक है। अब क्या, तो सेम चीज जब दो बार मल्टीप्लाई होगा तो आप तो जानते हैं कि 1 + sin A, ठीक है, और 1 + sin B और मेरे दोस्त ये 1 + sin C, ये क्या हो जाएगा आपस में, सेम चीज जब दो बार गुना होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताऊं, ऐसे सवाल जिंदगी में एक ही बार बनाना होता है, दोबारा नहीं, दोबारा जब भी दिखेगा तो आंसर चला जाएगा, ठीक है। अब यहां देखना, a - b × a + b, 1 - sin × 1 + sin, क्या होगा, a - b × a + b तो हो जाएगा a² - b² और 1 - sin² क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 - sin b 1 + sin b, a - b × a + b, a² - b² तो 1 - sin² ये क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, 1 - sin c 1 + sin c, a - b × a + b, a² - b² तो 1 - sin² ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, ठीक है। मैं कुछ नहीं, बस इतना ही चाहता हूं कि आप इस स्क्वायर को ट्रांसफर करिए। आप जैसे ही मेरे दोस्त स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी और मेरे दोस्त कॉस सी, इधर क्या रह जाएगा हमारा, 1 + sin A 1 + sin B और मेरे दोस्त 1 + sin C, ठीक है। तो इतना बराबर हमारा ये आंसर आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको अस्थिर रखकर इसे टारगेट करके बनाएंगे तो भी वही बात आएगा, यानी ये अगर इसके बराबर है जो इसका मान आएगा वह इसका मान आएगा, यानी कि ये दोनों में से प्रत्येक इसके बराबर होगा, है ना। तो आपका मेरे दोस्त इस तरह से आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये क्वेश्चन साइन में, अगर ये साइन में गिवन है तो आंसर कॉस में आएगा, अगर ये कॉस में गिवन है तो आंसर मेरे दोस्त साइन में आएगा। हम उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आया हो। जब क्वेश्चन को सेट करते टाइम इसको जब कर ही दिया गया है तो मैं इससे इर्द गिर्द की बात भी कुछ बता देता हूं कि और यहां पर क्या क्वेश्चन सेट हो सकता है। तो देखो मेरे दोस्त, दो टाइप का क्वेश्चन यहां पर और सेट हो सकता है। जैसे आपका ये क्वेश्चन हो सकता है 1 + cos A 1 + cos B 1 + cos C, ठीक है, बराबर 1
वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस बी, और मेरे दोस्त ये वन माइनस कॉस सी, ठीक है, ये दोनों ही बराबर है। आपसे कहेगा कि इनमें से प्रत्येक किसके बराबर होगा, में से प्रत्येक किसके बराबर होगा। तो सिंपल सा मेरे दोस्त यहां पर आंसर जाएगा, ठीक है, क्या प्लस माइनस साइन ए, ओके साइन बी, और मेरे दोस्त साइन सी, ठीक है, इतनी बात आपको बता दिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन और सेट हो सकता है, वो ये sec प्लस टेन ए sec बी प्लस मेरे दोस्त टेन बी और sec सी और प्लस में टेन सी, प्लस में मेरे दोस्त टेन सी, ओके बराबर sec ए माइनस टेन ए sec बी माइनस टेन बी और sec सी और माइनस टेन सी। हमसे यही कहता है इनमें से प्रत्येक किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से आप लोग देखिए, अब इनमें से प्रत्येक किसके बराबर होगा, कुछ नहीं, जैसे बनाया था वैसे ही बनाना, प्लस माइनस वन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस इस क्वेश्चन का वन आंसर है। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन बन जाएगा, इसीलिए ऐसा होगा, ठीक है। और यही सेम सवाल मेरे दोस्त ये भी बन सकता है, क्या cos 1a प्लस cot a, ठीक है, यहां पर मेरे दोस्त cos 1b प्लस में cot b, ओके, और ये cos 1c प्लस में cot c, cos 1c प्लस में cot c बराबर cos a के माइनस में cot a, cos a b माइनस में cot b और cos a c माइनस में cot c, ठीक। यहां फिर आपसे पूछेगा कि प्रत्येक किसके बराबर है, प्रत्येक किसके बराबर, तो मेरे मित्र cos a का और cos a प्लस कॉट, कॉस एक माइनस कॉट, कॉस एक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यहां भी वन बन जाएगा, तो यहां भी आपका आंसर प्लस माइनस एक ही होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल इस तरह से आपके पेपर में आ सकता है, अगर आपको ये ध्यान रहे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, बने रहिए, इसी तरह से चलते रहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन कब होगी? एग्जामिनेशन जब भी होगी तो आपका नंबर तो आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सामने है, आंसर देने का प्रयास करो। बिल्कुल ये 6 to 8 और 9th 10th दोनों के लिए सफिशियंट है, 6 to 8 के लिए भी ठीक है ना, बिल्कुल यूजफुल है मेरे दोस्त। आइए अब देखिए PQR में, PQR एक त्रिभुज है, PQ बराबर इतना, Q बराबर 58 डिग्री, S और T PQ PR पर दो ऐसे पॉइंट हैं, STR 122, PS दिया है 14, PT दिया है 12, RT क्या होगा? अब देखो मैं आपको क्या बताता हूं मेरे दोस्त, हमारे पास एक ट्रेंगल है, ठीक, और ट्रेंगल है PQR, ओके। हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा कि PQ पर एक पॉइंट है S, लीजिए PQ पर एक पॉइंट है S और PR पर एक पॉइंट है T, एक पॉइंट है T, जैसे ही इसको मिलाते हैं तो STR यानी ये एंगल हमारा 122 दिया हुआ है, साथ ही साथ एंगल Q ये हमारा 58 दिया हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, साइड क्या क्या है, पीएस आपका 14 है, पीटी आपका 12, ये आपका 12 है, और कोई है पीक्यू 24, पूरा 24 जिसमें ये 14 है तो ये हमारा 10 होगा, ठीक है। हमें आरटी का मान मांगा है, इसका मान
इसको मेरे दोस्त मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। और अब आपको कुछ यहां पे दिखाता हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली सिमिलरिटी पर बनता है। अब देखिए कैसे सिमिलरिटी पर बनेगा, छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में थोड़ा कुछ केस कर, पहले मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा। अरे रेखा पर 180 मगर इधर 122 है, तो पक्का हमारा 58 हो जाएगा। आपको कहे हाँ जी सर 58 तो हो जाएगा। आप ये वाली एंगल देखो, दोनों में मेरे दोस्त कॉमन है, छोटे वाले ट्रेंगल में भी और बड़े वाले ट्रेंगल में। क्या होगा, छोटे वाले ट्रेंगल में ये दोनों एंगल बड़े वाले ट्रेंगल में इस दोनों एंगल के इक्वल है, यानी छोटे का दो कोण और बड़े त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर है। तब तो छोटे त्रिभुज का ये तीसरा कोण बड़े त्रिभुज के इस तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 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 सिमिलैरिटी थ्योरम से दोनों ही त्रिभुज सिमिलर हो गया। जैसे ही ट्रेंगल सिमिलर हो गए हैं, बराबर कोण के सामने के भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो 58 के सामने छोटे त्रिभुज में आपको 14 दिख रहा है और 58 के सामने बड़े त्रिभुज में आपको 12+x दिख रहा है, 12+x लिख दो बराबर। फिर देखना मेरे दोस्त, ये वाली एंगल में छोटे त्रिभुज के सामने आपको 12 दिख रहा है और इसके बराबर ये है, और इसके सामने बड़े त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं 14 / 12+x = 1/2, तो ये 12+x बराबर हो जाता है 28। तो एक्स का मान क्या होगा मेरे मित्र, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, RT बराबर हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। अच्छा सर, कुरुक्षेत्र बैच में पेमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? पेमेंट के प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत होगा तो उसे ठीक कर दिया जाएगा, है ना। आप ट्राई करिए ना एक दो बार, वो ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। ऐसे प्लेटफॉर्म पर पेमेंट कैसे करें, इसके लिए मेरे दोस्त आपके इसी चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए अभी जिनका भी एस्टेट का पेपर हो गया है, अब एस्टेट पेपर के बाद वो 4.0 की तैयारी करना चाहेंगे, तो 4.0 के लिए ये कुरुक्षेत्र 4.0 का जो बैच है 6-8 स्पेशल, ठीक है, वो मेरे दोस्त। अगर वो 9-10 स्पेशल करना चाहें तो 9-10 स्पेशल भी अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र 4.0 6-8 9-10 अगर वो कॉम्बो रखना चाहें तो मेरे दोस्त वो भी आपका अवेलेबल है, ठीक है। मैथ स्पेशल ये 4.0 की मैंने बात किया है, ठीक। और 3.0 की जो 1-5 स्पेशल है, ये मेरे दोस्त आपके लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये 1-5 स्पेशल है, ठीक है, जो भी फास्ट रिविजन के रूप में कराया जा रहा है। लेकिन ये कुरुक्षेत्र 4.0 जो आप देख रहे हैं, ये आपके अगस्त को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, जो 4.0 में मेरे दोस्त आपका हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलिए चलते हैं, बिल्कुल 4.0 के लिए कुरुक्षेत्र 4.0 स्पेशल है। आइए अब आइए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये क्या है। कह रहे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजाएं 15 सेमी है और उन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाले कोण 90 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए ना, किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा और उन्हीं दोनों बराबर भुजा के बीच अगर बनेगा 90 डिग्री का कोण, तो आप इतना श्योर रहिए कि वो कौन सा त्रिभुज होगा, वो मेरे दोस्त समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल, जिसके लंब आधार इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि कर्ण तो लार्जेस्ट साइड होती है, वो किसी के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, है ना, सबसे बड़ा होगा। यही बराबर साइड जो है वो 15 और 15 दिया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया हमसे फाइंड आउट करने कह रहा है, तो एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और इंटू हाइट, तो रिजल्ट होंगे 225/2, इतना सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये 255 है, ठीक है। हालांकि मैं आपको जब ये बता दिया तो एक पॉइंट और आपको यहां बता ही देता हूं कि कभी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर दो भुजा बराबर हो, इसके एरिया का एक और कंसेप्ट होता है 1/4
कर्ण स्क्वायर। तो कभी कभी डायरेक्ट आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण देकर एरिया पूछेगा, तो आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा क्लास नहीं हुआ है प्रिया चंदन, कुछ ही क्लास हुआ है और वहां पर अवेलेबल है जो क्लास छोटे मोटे हो गए हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, हमने आपको चाहे वो इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पाराबोला हो, डिफ्रेंसिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, इस क्वेश्चन को मैं अंडरलाइन करके रख दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन कौशलेंद्र सर को दे दिया गया है, ये आपको कौशलेंद्र सर कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 11th 12th स्पेशलिस्ट हम लोग के यहाँ कौशलेंद्र सर हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हो। देखो, सरल रेखा 4x प्लस 3y बराबर 12 निम्न में किससे गुजरती है, यानी ये जो लाइन है वो किस किस क्वाड्रांट से गुजरती है। तो सबसे पहले किसी भी लाइन को क्वाड्रांट एक्सिस पर बैठाने के लिए आप उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आइए, यानी इस फॉर्म में आपको उसे तुरंत लेके आ जाना चाहिए। अब इसके लिए बराबर में 1, तो 1 लाने के लिए तो आपको 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड करोगे, एक्स बाई 3 वाई बाई 4 और बराबर में 1। ठीक है, आइए देखते हैं, ये हमारा क्वाड्रांट एक्सिस है। ओके, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई का नेगेटिव। इन्होंने क्या कहा है, एक्स को 3 पर और वाई को 4 पर। देखो ना, एक्स को 3 पर कट करेंगे ये हो गया, वाई को 4 पर करेंगे ये हो गया। अब जैसे ही यहां से लाइन पास करेंगे, तो किस किस क्वाड्रांट से पास करेगी, ये दूसरे क्वाड्रांट पास करेगी, फर्स्ट क्वाड्रांट से पास करेगी और फोर्थ क्वाड्रांट से पास करेगी। दूसरा, फर्स्ट और फोर्थ, तो देखिए पहला, दूसरा और फोर्थ, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि बी नंबर आपको समझ में आया होगा कि क्यों आंसर हुआ इसका बी नंबर। ठीक है, 3 क्वाड्रांट से गुजर रही है। आइए मेरे दोस्त, करते हैं इस पर हम लोग सवाल। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर कहीं एक पॉइंट पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ए बी दिया है, पी सी दिया है, ए पी दिया है, सी डी का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है, इसकी दो जीवाएं, एक कोड ये हो गया और दूसरा कोड ये हो गया। एक को इन्होंने ए बी कहा है और एक को सी डी कहा है, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी कहा है। ठीक है, आप देखोगे कि पी वी कितना दिया है अपने पास, तो देखो ए बी दिया है 7 जिसमें ए पी दिया है 4, जानते हो पूरा ए बी 7 है जिसमें ये 4 है, तो ये पक्का 3 हो जाएगा, हो गया आंसर। उसके बाद पी सी दिया है अपने पास 2, ठीक है, तो पी सी का मान 2 दिया है और हमसे पी डी सी डी का मान मांग रहा है पूरा सी डी। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कहूँ, बस एक छोटा सा कंसेप्ट यूज कर लो। जब इस तरीके से दो जीवा एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो जीवा का अपने ही टुकड़ा का प्रोडक्ट इक्वल होता है, यानी कि ये जो ए बी जीवा है ना, जिसमें एक टुकड़ा ए पी और एक पी बी है, तो ये ए पी और पी बी का जो गुणनफल होगा वही सी पी और पी डी का भी गुणनफल होगा। तब तो ये 4 और 3 12 हो रहा है, तो इन दोनों को गुणा करके भी 12 आना चाहिए, तो ये हमारा 4 3 12 हो गया, ये हमारा 2 6 12 होगा, यानी ये हमारा 6 हो जाएगा। हमें पूरा सी डी चाहिए, 2 और प्लस 6, 2 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल इसी तरह लाइक का बटन प्रेस करते रहिए और मेरे दोस्त आप अपना काम करते रहिए। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। अब देखो, ये 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन्हें डीई और बीसी को पैरेलल कहा है। जैसे ये दोनों पैरेलल हो गया ना, सिमिलैरिटी, थेल्स थ्योरम, सारा कुछ इस पे लग जाएगा। देखते हैं क्या जरूरत पड़ता है। एडी का मान 2.5 है, ये 2.5 हो गया। बीडी का मान 3.5 है, तो ये हमारा 3.5 हो गया। उसके बाद एसी हमारा 4.2 है, ये 4.2 हो गया। हमें चाहिए एसी का मान, ये पूरे एसी का मान मांग रहा है, इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है,
और थेल्स थ्योरम ही लगा दीजिए। अगर आप यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाते हैं तो मेरे दोस्त क्या होगा, जब किसी ट्रायंगल में किसी एक, जब भी किसी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल लाइन कहीं से खींच दिया जाए तो वो अन्य दो साइड को एक ही रेशियो में बांटेंगे, यानी थेल्स थ्योरम के अनुसार ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है, ए डी और बटे डी बी और बराबर ए और बटे ई सी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा 2.5 है, ये हमारा 3.5 है, बराबर ए अपना एक्स है और ई सी अपना 2.4.2 है। अब यहां से हम ये देख रहे हैं, ये डेसिमल हटा, ये भी डेसिमल हटा, अब आप देखेंगे 5 × 25 7 × 35 7 से इसको काटेंगे 0.6 हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 3। x का मान 3 हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए AC। अगर हमें AC फाइंड करना है तो AC में हमारा x भी होगा और 4.2 भी होगा, तो AC तो हमारा 3 x का मान तो 3 आ चुका है, यानी 7.2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत बात क्लास। बिल्कुल एकदम ऐसे ही लाइक का बटन प्रेस करते हुए और मेरे दोस्त काम करते रहे। ठीक है, हो गया ये अपना, ओके बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो मेरे दोस्त, और अब आप इस क्वेश्चन को करो और देखो ये कैसा क्वेश्चन है। सर कितना भी करते हैं 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना होगा पेपर सॉल्व करते टाइम पर, और एक सेट रोजाना आपको अपने घर पर भी लगाना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी इस तरह की जो कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर टाइम प्रेशर में गलत करने के जो हैबिट है, इस सब से आप निजात पाएंगे। उसके लिए आपको एक सेट रोजाना घर पर लगाना होगा। ठीक है, आइए मेरे दोस्त देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप पहले तो मैथ समझ में आता है, सर आप पढ़ाते हैं तो मैथ समझ में आता है, बाकी किसे नहीं आता। नो आई रिक्वेस्ट यू, ओके नो एटीट्यूड। ये एटीट्यूड किस में है मेरे दोस्त, ये एटीट्यूड किस में है, सबको एक ही जगह जाना है, वापस जाना है। ठीक है, आई देखते हैं। देखिए यहां पर हमें ए और बी दोनों ही एंगल के बारे में कहा कि ये दोनों एंगल ए से 0 से बड़ा है, 45 से छोटा है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ए और बी दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और 0 से बड़ा और 45 से छोटा का मतलब है कि ए और बी में दोनों में प्रत्येक की वैल्यू 45 से कम होगा, यानी अगर 44.9 भी हो जाएगा तो ऐड करने से 89 होगा, ग्रेटर देन 90 नहीं होगा, मतलब 90 से बड़ा नहीं होगा। ए प्लस बी का मान भी 90 से बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब ए बी दोनों को जोड़ने पर भी ये फर्स्ट क्वाड्रांट में ही नजर आएंगे। ठीक, ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया है ताकि आप किसी भी रेशियो का मान निगेटिव ना ले लें। ठीक है, अब ये देखो आपका एक एंगल ए प्लस बी है और एक एंगल आपका ए माइनस बी है, और आपसे 10 × 2a का मान मांगा है। अभी हम 10 पे नहीं जा रहे, अभी हम 2a पर जा रहे हैं, हम एंगल को रिलेट करना चाह रहे हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मुझे 2a का मान चाहिए, तो मैं बस ये कहूंगा कि थोड़ा देखो कि अगर ए प्लस बी में मैं अगर ए माइनस बी ऐड कर दूं क्या होगा, बी से भी कट जाएगा और बिल्कुल 2a आ जाएगा। आ तो गया 2a, आपको गया, हाँ जी सर, क्या किया आपने, आपने दोनों एंगल को ऐड किया है तो 2a आ गया है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप एक काम करो, 10 आप इधर भी लगा दो और 10 आप इधर भी लगा दो। अब आप सोच रहे होगे 10 क्यों लगाऊं दोनों तरफ, क्यों, मुझे तो 10 में ही मान चाहिए। ठीक है, तब तो हमें यहां भी 10 में कन्वर्ट करना होगा, तो कर लेंगे ना, ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है, यहाँ पर P निकालेंगे तो 7 आएगा, यानी 10 में अगर हम यहाँ से A प्लस बी का मान निकालते हैं तो 7 और बटे 24 हो जाएगा।
उसी तरह से यहां अगर देखते हैं, ये हमारा साइन है ना, ये हमारा पी है और ये हमारा एच है। अगर यहां पर हम बी निकालते हैं तो वेरियस कितने हो जाएंगे, 8। यानी टेन ऑफ एंगल अगर हम ए माइनस बी फाइंड करने चले जाएं तो पी हमारा 15 होगा और बी हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, आइए मेरे दोस्त अब आप काम कीजिए। 10 ये पूरा को ए और पूरा को बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10a प्लस 10b और अपॉन 1 माइनस 10a और इनटू मेरे दोस्त 10b। क्लियर है? ठीक है, अब आप लेके आ जाओ उसे। 10a हमारा 7/24 है, a प्लस बी 7/24 है और ये हमारा मेरे दोस्त 15/8 है। डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस 7/24, 7/24 और मेरे दोस्त ये हमारा 15/8। अगर हम इसे थोड़ा सा एलसीएम ले लें या मेरे दोस्त मल्टीप्लाई ही कर ले तो हम यहां पर यही चीज देखेंगे कि 24 और 8 हो जाएगा 192। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई होने वाला है इसलिए कर रहा हूं। 8 × 7 यहां पे 56 आ जाएंगे और ये 24 × 15, 15 × 4 = 60, 15 × 2 = 30 और 6 = 36। लीजिए, नीचे भी मेरे दोस्त एलसीएम हमारा 192 ही होगा। यहां पे आ जाएगा हमारा 192 और माइनस 15 × 7 = 105। तो हम देख रहे हैं कि इसे तो हमारा कैंसिल आउट हो गया बिल्कुल, और इसे ऐड करने पर ये 416 हो जाएगा और नीचे मेरे दोस्त इसमें से इसको घटाने पर ये 87 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब देखो कैलकुलेटिव बहुत अच्छा लगा। देखो कैलकुलेटिव होगा तो मेरे दोस्त काम तो करने होंगे, कैलकुलेशन करना होगा, वरना 9th-10th के टीचर आप यूं ही तो नहीं बन जाओगे। मेहनत तो आपको थोड़ी बहुत करना ही होगा, ठीक है ना? चल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ये हमारे पास 2, 7, 12 ... 10 पदों का योग मांगा है। ये मेरे दोस्त हमारा एपी है, एपी का ये अपना फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो 5 हो जाएगा। आप सबको पता है कि SN बराबर क्या होगा, n/2। 2a a का मान 2 है प्लस n-1 और इनटू d और d हमारा 5। ये हमारा 5 हो जाएगा और यहां से 9 × 5 = 45, 45 और 4 हो जाएंगे 49। यानी इसका आंसर हमारा 245 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। सर साइड प्लीज, साइड तो मैं हो ही जाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो स्क्रीनशॉट, क्या दिक्कत है? देखो मित्र, समय अधिक लगता है, समय कम लगने का एक ही उपाय है कि आपको रोजाना एक सेट अपने घर में लगाना होगा, ठीक है? और प्लेटफॉर्म में जिस दिन आप सेट लगाने आते हैं उस दिन आपको ये मान के चलना है कि आज हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म की सेट को आप अपना फाइनल पेपर समझिए, बाकी एक पेपर आप अपने रूम पर डेली लगाइए, ठीक है? अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये sin 25 cos 35 और sin 35, मतलब जो हम यहाँ देख रहे हैं वही चीज हमें यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है भाई? और जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वही चीज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तब तो हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या? sin a cos b cos a sin b। ये कंसेप्ट होता है अपना sin a + b। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा sin 60 और sin 60 होगा √3/2। तो मेरे दोस्त ये ऑप्शन नंबर सी हो गया है। हमें नहीं लगता है कि कोई परेशानी आपको होना चाहिए, ठीक है? आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मित्र ये क्या है, देखो ये हमसे कहा है सर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर हमने xx% की 2 लगातार छूट दी है, ठीक है? और xx% की 2 लगातार छूट इतने की एकल छूट के बराबर हो गया है। यदि वस्तु की एमआरपी इतनी है तो x का मान क्या होगा?
अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर लगातार एक ही छूट लगातार दो बार दिया गया, यानी एक्स एक्स परसेंट की दो लगातार छूट दी गई है, तो छूट दिया किस में जाता है? एमआरपी पर। और छूट देने के बाद क्या होता है? फाइनली आप सेल कर देते हैं। तो आज आपको सेलिंग प्राइस तो निकालना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ जी सर, देखो मेरे दोस्त, हमारा ये एमआरपी, ये आप देख रहे हो 920 है, ठीक है। रही बात सेलिंग प्राइस निकालने की, तो सेलिंग प्राइस निकलेगा कैसे? तो उसके लिए आप यही कहोगे कि सर 920 रुपए की चीज एमआरपी है, जिस पर छूट 331.20 की आपने दिया है, तब तो यहाँ पर 80 हो जाएंगे, 9 में से 1 जाएगा ये 8 होगा, और ये 11 में से 3 जाएगा 8 होगा, और मेरे दोस्त ये 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी फाइनली आप 588.80 इतना में सेल कर रहे हो। यानी एमआरपी में से आप डिस्काउंट को जब हटाओगे तो बिक्री मूल्य ही तो नजर आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, तो आओ ना, मैं चाहता हूं कि बिक्री एमआरपी और बिक्री मूल्य का रेशियो हो जाए, तो आप डेसिमल हटाओगे, यहां पर 20 आ जाएंगे। आप कहोगे हाँ जी सर, 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आप 23 से काट लीजिए, 23 × 92, और यहां 23 से अगर आप काटते हैं 23 × 46, ठीक है भाई, और बच जाएंगे कितने 12, तो 23 × 46, 46 इसमें से अगर जाता है तो 12 × 128, 23 × 5 और 23 × 6, यानी 400 और मेरे दोस्त 256। ओके, अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या अगर आपने एक्स एक्स परसेंट की दो लगातार छूट दी है, तो मेरे दोस्त अगर प्रतिशत में दोनों छूट सेम है तो फ्रैक्शन भी तो सेम ही बनेगा। हाँ जी, तो एक्स प्रतिशत की पहली छूट देने पर मान लेते हैं ए रुपए की वस्तु बी में बिक रहा होगा, क्योंकि एक्स प्रतिशत की ही दूसरी छूट है, यानी एक बार फिर से ए रुपए की वस्तु बी में बिक रहा होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त दो लगातार छूट देने के बाद हम देख रहे हैं कि फाइनली 400 एमआरपी और 256 हमारा एसपी नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे यहाँ क्यों नहीं काटे आप, क्यों? क्योंकि ए इंटू ए हमारा ए स्क्वायर, बी इंटू बी हमारा ये बी स्क्वायर, और बराबर ये हमारा 400/256 वर्गमूल जो निकल जाता, तो ए बाय बी करने जाएंगे ये 20/16 नजर आएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपका 20 हो गया और यहाँ पे आपका 16 हो गया, यानी x का मान अगर आप निकालेंगे तो आप ही देखिए हर बार 20 का चीज 16 में बिक रहा है, यानी छूट कितने की? 4 की। किस पर? 20 पर, और इंटू 100, तो फाइनल आपको 20% की छूट नजर आ रहा है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपका यहाँ पे काम हो गया है ना, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों आज आपको लाइक का बटन प्रेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या, या फिर ढंग का पढ़ाई नहीं हो रहा है? बताओ, आइए देखिए, आइए अब इसकी बात करते हैं, इस पर ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है? मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बराबर 0, ठीक है। लो मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल पहले से 3 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -10 है,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दस इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका आंसर हो गया। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त अगर मामला क्यूबिक इक्वेशन का आ जाए तो मेरे भाई यहां पे ध्यान देना, इसको ढंग से ही लिख लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात आएगी तो ऐसे ध्यान रखना, एक्स क्यूब माइनस मूलों का योगफल अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो मूल के गुणनफल का योग इंटू एक्स और माइनस तीनों मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप द्विघात त्रिघात सब काम कर सकते हैं, ठीक है। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्या है, हमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है जिससे ये दोनों ही बिंदु समदूरस्त है, इक्वी डिस्टेंट है। बहुत बच्चे यहाँ पर स्लोप लगाने लग जाते हैं, तीनों को एक लाइन में रखने लग जाते हैं और एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसको मिड पॉइंट समझने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। सबसे पहली बात, जो हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट की बात क्वेश्चन कर रहा है वो पॉइंट है कहाँ? वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। और याद रखना, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान जीरो होगा, ना तो आप समझते हो। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर इसी पॉइंट से हमारा दो पॉइंट, मेरे मित्र इक्विडिस्टेंट है, दो पॉइंट में एक हमारा दो कोमा माइनस पांच है और एक मेरे दोस्त हमारा दो कोमा माइनस नाइन। दो कोमा माइनस पांच है और माइनस दो कोमा नाइन, माइनस दो कोमा, ठीक है। अब आप यहां देख लीजिए, एक मेरे दोस्त हमारा ये और एक मेरे दोस्त हमारा, हमें क्या बोला है, हमें कहा यही एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट फाइंड करें जिससे दो कोमा माइनस पांच और माइनस दो कोमा नौ इक्वी डिस्टेंट हैं। इक्वी डिस्टेंट यानी ए बी और ए सी जो आपस में बराबर हैं, मेरे दोस्त इन दोनों का स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए आइए मेरे दोस्त, जब ए बी आपस में इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। आज अगर हम ए बी स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, एक्स माइनस दो का स्क्वायर, एक्स माइनस दो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस पांच का स्क्वायर, जीरो माइनस माइनस प्लस पांच का स्क्वायर। अगर ए सी फाइंड करेंगे तो मेरे दोस्त ये हमारा होगा एक्स और माइनस माइनस प्लस दो का स्क्वायर, जीरो माइनस नाइन तो जीरो माइनस नाइन का स्क्वायर हो जाएगा। आइए काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर और ये पच्चीस, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर और ये हमारा होगा 81। मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर तो खत्म ही हो गया, माइनस चार एक्स उधर से आएगा, माइनस चार एक्स हो जाएगा माइनस का आठ एक्स और बराबर इक्यास, ये जाके उस पार घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा छः और सात में से दो गया तो पाँच, यानी हमारा x का मान आ जाएगा माइनस सेवन। और x का मान माइनस सेवन होने से माइनस सेवन गुना जीरो, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, माइनस सेवन कोमा जीरो ऑप्शन नंबर ए। मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से भी कोई तकलीफ होना चाहिए। कैसे कहां और गलती हो जाती है, मैंने देखो हमेशा से आप लोगों को कहा है कि आप एक फुल लेंथ सेट अपने से भी घर पे लगाइए, ठीक है। गलतियां होना ये नेचर है इंसान की, गलतियां होती रहेगी होती रहेगी, धीरे 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 एक्यूरेसी डेवलप होता है। पर एक सेट अगर रोजाना घर पर लगाते हो, वीकली टेस्ट जो प्लेटफॉर्म में होती है उसे आप अगर फाइनल टेस्ट समझते हो, और प्लेटफॉर्म में जो मॉर्निंग में सेट होता है उसे आप रेगुलर बेसिस पर करते हो,
पटना में हो तो ऑफलाइन, पटना से बाहर हो तो ऑनलाइन, तो आपको कभी भी पेपर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो और दूसरी बात क्या, फांकी मारने से पेपर नहीं होगा दोस्त। मैंने 2.0 का दौर देखा है, 3.0 का दौर देखा है, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन देखा है, इतने सारे बच्चे को सिलेक्शन भिन्न भिन्न कारणों से रुकते हुए भी देखा है, सिलेक्शन होते हुए भी देखा है। अब देखो ना 2.0 के अंदर कहो या 3.0 के अंदर कहो, हालांकि 3.0 का पेपर अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैथ से रिगार्डिंग जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, मैक्सिमम 99.9% बच्चे वो हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हाँ मेरे दोस्त, ऐसे बच्चे भी जो कहीं और भी अगर जुड़े हुए होंगे तो वो हमारे साथ बाद में जरूर जुड़ गए हैं। और मैं जहाँ तक आप लोगों को ये 99.9% जब कहता हूँ तो आप कुछ सोचने लग जाते हैं, सोचने की कोई बात नहीं, वो हमारे एप्लीकेशन से, हमारे यूट्यूब से, या हमारा जो अपना बुक आता है बुक मिनी पब्लिकेशन से प्लेटफॉर्म वाले, उससे किसी ना किसी रूप से वो जरूर जुड़े होते हैं, लाभान्वित होते हैं और उनका सिलेक्शन अवश्य होता है, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे दोस्त मेहनत कीजिए, अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा है। आइए मेरे दोस्त इसकी बात करते हैं, दो स्पर्श रेखा PA और PB बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर खींची गई है, यदि OAB बराबर 30 डिग्री तो APB का मान क्या होगा। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है मित्र, ठीक है, और ये अपना एक बाह्य बिंदु मान लीजिए P है। अब बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा इधर और मेरे दोस्त एक स्पर्श रेखा आपका इधर, दो स्पर्श रेखा आपने खींच दी है, इसे स्पर्श बिंदु को A कह रहा हूं, इसे मैं B कह रहा हूं, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। अब देखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मेरे मित्र इसे मैं जैसे ही मिला दूं, इसे मैं जैसे ही मिला दूं, तो आप तो ये बात देख रहे हो क्या, केंद्र है, केंद्र से परिधि त्रिज्या होगी, केंद्र से परिधि त्रिज्या होगी। मित्र मेरे, आपको बस इतना पता है कि OAB ये आपको पता है कि 20 है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, और किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी तो सामने का कोण भी बराबर होगा, इसके सामने 20 है तो इसके सामने भी 20 होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। फिर देखो OAB एक त्रिभुज है, OAB एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180, जब दोनों मिलकर 40 हैं तो ये दोनों मिलकर 30 था ना मेरे दोस्त, 30, चलिए 30 और 30 60 हो जाएगा, 30 और 30 अगर ये 60 है तो ये पक्का 120 हो जाएगा, तभी तो 180 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। साथ ही साथ आप ये भी जान लो कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल मिलकर भी 180 होता है, तब तो ये अगर 120 है तो ये पक्का हमारा 60 हो जाएगा। और इस तरीके से मेरे दोस्त आप आराम से काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर, देखते रहिए, ये तो हो गया होगा अपना, ठीक है पढ़ो। देखो 96 हमें कह रहा है कि एक गोलाकार सेल का आयतन क्या होगा जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है, यानी ये खोखला गोला है, और खोखला गोला का अगर आपको आयतन फाइंड करना है तो 4/3π बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू, तो आप देख लो 4/3π को एज इट इज रहने दो, बड़ी आर 3 का क्यूब 27 होगा और 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा। ओके हाँ सर। तो यहां से देख लोगे 19 19 चौको 76, 76π और बटे 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको हो रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। आपकी कृपा से 45 सही था 6 to 8, अच्छा परफॉर्म था मेरे दोस्त, लेकिन आपको 48 में 48 सॉल्व करना है, सही करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करना है। ओके, जहां कमी रही थी उस पर आपको काम करना है। देखिए आप मन में हमेशा याद रखिए कि आप जितना भी तैयारी कर लेते हैं वो मेरे दोस्त, दुनिया में कोई भी चीज सफिशियंट नहीं है, 100% परफेक्ट नहीं है,
कमियां रह ही जाती है, इसलिए अगेन एंड अगेन अंतिम समय तक प्रयास करना है कि अपनी कमियों को दूर किया जाए। परफेक्ट प्लस परफेक्ट बराबर परफेक्ट होता है। ओके, हाथ पांव बांध करके बैठना नहीं है। आइए देखते हैं। एक भिन्न का हर अंश से तीन अधिक है, यदि अंश और हर में छेद की वृद्धि की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर हो जाएंगे। भिन्न बताइए। देखिए, अगर फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन में फ्रैक्शन ही आपसे मांग दे तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन से बनाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब कह रहा है ना कि हर अंश से तीन अधिक है, हर अंश से तीन अधिक यहां भी है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से तीन अधिक यहां भी है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से तीन अधिक यहां भी है, तब तो ये तीनों ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नहीं, अगला इक्वेशन देखना होगा। अब लिखता है अंश हर दोनों में 4 जोड़ देते हैं तो 4/5 हो जाता है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में 4 ऐड करते हैं 12/15 यानी कि 4/5, बिल्कुल 4/5 हो जा रही है, अतः ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मेरे दोस्त। अब इसको देखते हैं ये क्या। अब देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, हमें कह रहा है दो पॉइंट किसी रेखा खंड को 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है तो उन्हें हम किस बिंदु के नाम से जानेंगे। जानते हो दोस्त, ये कह रहा है ना दो पॉइंट किसी रेखा को 1:2 और 2:1 में विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट में जब पहला पॉइंट का इस्तेमाल किए हैं तो ये पूरी रेखा को 1:2 में बांटा है, जब दूसरे पॉइंट को इस्तेमाल किए हैं तो पूरे रेखा को 2:1 में बांटा है। इसको देखकर ही मेरे दोस्त हमें ये लग जा रहा है कि आखिर यहाँ पर मामला है क्या। एक्चुअल में यहाँ पर मामला, यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा मान लीजिए हमारा ए बी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मामला हमारा ए बी है। ठीक है, अगर ये मामला मेरे दोस्त पूरा का पूरा हमारा ए बी का है, 1:2 और 2:1, तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये समत्रिभाजित करने वाली पॉइंट है। कहिएगा वो कैसे। अब जैसे देखिए, अगर हम यहां पर तीन इक्वल पार्ट में इसे बांट देते हैं और इसको वन, इसको वन और इसको भी वन कहते हैं, इसको इस पॉइंट को पी कह रहे हैं, इस पॉइंट को क्यू कह रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि पॉइंट पी पूरा ए बी को क्या कर रहा है। तो मेरे मित्र, पॉइंट पी जो है ना पूरा ए बी को 1:2 में विभाजित कर रहा है। लेकिन बात अगर क्यू की जाए तो क्यू पूरा ए बी को क्या कर रहा है, तो क्यू जो है ना पूरे ए बी को इधर देखिए 2:1 में बांट रहा है, यानी कि 2:1 में बांट रहा है। तो मेरे दोस्त, पहला पॉइंट 1:2 में और दूसरा पॉइंट 2:1 में तभी विभाजित करेगा जब ये दोनों पॉइंट इस पूरे ए बी का समत्रिभाजन बिंदु होगा। समत्रिभाजन बिंदु का मतलब क्या है, ट्राइसेक्ट करने वाली पॉइंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर यहां पर दोनों पॉइंट का पोजीशन क्या है। बिल्कुल, रस्का जी का सही है, आफ्ताब हुसैन, राजकुमारी, अमरजीत सिंह ऑफिशियल, आनंद राज, अंकु, अरे भाई ये अमरजीत सर ऑफिस, अमरजीत सिंह ऑफिशियल है, तो एकदम बिल्कुल मास्टर के नाम का ही अपना नाम रख लिए। चलो कोई बात नहीं है, अच्छा लगा। ठीक है, ध्यान दो, देखो एक आयत की लंबाई, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ क्या लिख रहे हैं, गुरुजी हृदय के चारों चेंबर से लोटपोट कर प्रणाम करता हूँ। आपको भी मेरे दोस्त दिल से आशीर्वाद है, ऊपर वाले से प्रार्थना है। ठीक है, ध्यान दो, देखो एक आयत की लंबाई 30 सेमी है, कह रहे चौराई लंबाई का 2/3 के बराबर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि चौराई मेरे दोस्त लंबाई का 2/3 है। ठीक है, इसमें इतना सोचना क्या है, चौराई अगर लंबाई का 2/3 है तो लंबाई तो हमारा 30 है, उसका 2/3 करेंगे तब तो ये 20 हो जाएगा, है ना, और लंबाई 30 तो पहले से पता है। अब दोनों का परिमाप बराबर है तो 2 * लंबाई और प्लस चौराई, ठीक, ये हो जाएगा आयत का परिमाप
और चार गुने भुजा वर्ग का परिमाप होगा। 104 से काटेंगे हो जाएगा 25, 25 हो गया हमारे वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा अगर 25 है तो एरिया हमारा 625 होगा। आई होप इसमें परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए दोस्त मेरे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए ये 100 नंबर क्वेश्चन क्या है मित्र मेरे, ये हमसे कहता है एक पांसे को दो बार फेंका जाता है, उनके अंकों का योग 10। एक पांसे को दो बार फेंकूं और अंकों का योग 10 हो जाए, जिनमें कम से कम एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब तनिक सोचना मेरे दोस्त, क्या कहोगे आप? अब देखो ना, एक पासा को दो बार फेंकें और सम ऑफ डिजिट हमें 10 दिखना चाहिए, तो 10 कब दिखेगा? अंकों का योग 10 तब दिखेगा जब एक पर 4 दूसरे पर 6 होगा, या एक पर 6 दूसरे पर 4 होगा, या मेरे दोस्त दोनों पर ही हमारा क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या कहोगे अब? तो हम ये कहेंगे कि अंकों का योग 10 होना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा, ये मेरे दोस्त हमारा इवेंट हो गया, टोटल इवेंट किसके लिए, सम ऑफ डिजिट 10 के लिए। लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि अंकों का योग 10 हो लेकिन उनमें कम से कम एक डिजिट 5 होना चाहिए। तो कम से कम एक डिजिट 5 वाले कितने इवेंट हैं, केवल और केवल मेरे दोस्त एक इवेंट है, ठीक है। और बटा टोटल 1, 2, 3 घटना, यानी मेरे दोस्त 3 हो जाएगा, तो कम से कम एक 5 का मतलब दोनों पर 5 भी चलेगा। तो अंकों का योग 10 भी होना चाहिए और उस पर कम से कम एक डिजिट 5 यानी दोनों डिजिट भी 5 चल सकता है। तो ऐसा तो केवल एक ही इवेंट है जहां पर अंकों का योग 10 भी हो और डिजिट मेरे दोस्त 5 भी हो, ऐसा एक इवेंट है, और अंकों का योग 10 हो जाए ऐसा 3 इवेंट है। तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इसमें डॉट 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 लगा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त, जो कि थोड़ा मिट गया है। 0.12 तो 1 2 3 5 2 3 5 2 3 5, तो हमें ये लग रहा है 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5। ये देखिए ना, 2 3 5 2 3 5 2 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम शॉर्टकट में चाहें तो 0.1 2 3 5 ये तीनों रिपीट हो रहा है, तो आप इस तीनों पर ट्रैकिंग डाल दीजिए। जैसे ही आप डालते हैं कि ये 1235, ठीक है, तीन डिजिट पर रेकरिंग है तो आप 3 9 का इस्तेमाल कीजिए, एक पर रेकरिंग नहीं है तो आप इनमें से एक घटा दीजिए, ओके, और बिना रेकरिंग वाले के लिए 0 दे दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1234। और मेरे दोस्त ये 9990 बहुत करेंगे, 2 से कटेगा 617 हो जाएगा, और नीचे मेरे दोस्त 49 2 98 9 2 18 5 2 10 ये हमारा रिजल्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें लगता है कि रेकरिंग वाली पॉइंट आपको समझ में जरूर आता होगा, ठीक है मेरे दोस्त। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब इसे देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, त्रिभुज के 3 पॉइंट देकर त्रिभुज का परिमाप मांगा है। सबसे पहले क्या करना होगा, परिमाप के लिए तो भुजा निकालना होगा ना, तो त्रिभुज का तीनों पॉइंट 0.4 दिया है, 0.0 दिया है, और मेरे दोस्त ये हमारा 3.0 दिया है, ठीक है। अब क्या करें हम, तो हम एक काम करना क्या है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना है। क्या हो जाएगा, दो बिंदु के बीच की दूरी एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर तो 0 ही होगा, y के डिफरेंस का स्क्वायर 16 तो मेरे मित्र 4 हो जाएगा। फिर देखो x के डिफरेंस का स्क्वायर तो 0 में 3 गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y का डिफरेंस यानी 4 में 0 गया, 4 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट हमारा 5 हो जाएगा। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करने जाएंगे तो क्या होगा, 0 - 3 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 - 0 0 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये फाइनली हमारा 0। यहां से कितना आ गया, 4 3 7 7 5 12, तो मेरे दोस्त 12 यहां पर पेरिमीटर हो गया। आपने 12 परिमाप तो निकाल लिया होगा,
ठीक है, आज का मोस्टली क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, अगर कैलकुलेटिव है तो क्या हुआ, करना है उसको, ठीक है। आइए अब इसको देखते हैं और विचार करते हैं कि ये क्या है। देखिए ये भी इतना आसान नहीं होगा मेरे दोस्त, इसे भी आपको करना होगा। अब आपको ये बात पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ, तो थोड़ा सा तो आपको कैलकुलेशन करना होगा, यानी जल्दी से यहां पर आपको दो पॉइंट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको x निकालना चाहिए, दूसरा आपको एफ एक्स निकाल लेना चाहिए। आइए देखते हैं क्या होता है, f और x, x और एफ एक्स दोनों ही निकालेंगे। x बराबर क्या है मेरे दोस्त, तो l प्लस यू और y में 2, ठीक। 100 100 का आधा हो जाएगा 50, 300 का आधा हो जाएगा 150, 500 का आधा हो जाएगा 250। तो देखो ना, 100 बढ़ा 100 बढ़ा, 100 और बढ़ा दो, 100 और बढ़ा दो, ठीक है। अब मेरे दोस्त fx करो, तो जैसे ही fx करोगे, ये f ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपका x है, 6 गुना 50 ये अपना 300 हो जाएगा, 9 गुने 150 ये 1350 हो जाएगा, 15 गुने 250 तो 0, 15 5 75 और 30 7 37 होगा, 12 गुने 35 12 5 60 12 3 36 और 6 42 और ये 0 8 5 40 8 चौके 32 और 4 36। अब आप मेरे दोस्त इसे ऐड कर लीजिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे 37.5 और ये हो जाएगा हमारा 13.5, तो 38 13 51, 51 और 3 5400, ये 5400 हो गया, और इनको जोड़ने से क्या होगा, तो मित्र मेरे ये 5400 है, और इन्हें देखो तो ये 8 और ये 7 7800 हो जाएंगे। फाइनली ऐड करने के बाद 00 8 4 12 12 और एक हो जाएगा 13, यानी 13200 आपको दिखेगा मेरे दोस्त ये ऐड करके, और बाकी यहां पर आप देखो 15 15 30 30 और 20 क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, 5 2 10 5 6 30 5 4 20, यानी कि 664 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको मेरे दोस्त काम करने होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ऐसे ही मेरे दोस्त बने रहो और काम करते रहो। एक बार फिर मेरे दोस्त आप लोग लाइक का बटन एक बार जोर से प्रेस करो, ताकि ये 500 प्लस लाइक हो जाए और काफी मजा आए मेरे दोस्त काम करने में, ठीक है। आओ ध्यान दो, निम्नलिखित बंटन का बहुलक इनमें से क्या होगा, बहुलक फाइंड करना है, तो आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि बहुलक क्या होता है, बोले नहीं, ये मेरे दोस्त बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, इसको यूं हल्के में समझने की भूल मत करना, जिन्होंने भूल किया है इन्हें हल्के में लेने का, हल्के समझने का, उन्हें काफी खामियाजा भुगतना पड़ा है, ठीक है। काबिले तारीफ ऊपर मेरे दोस्त, आपका जो प्यार, आपका जो बीच बीच में बीच बीच कहते हैं, आपका जो लगातार प्यार और भरोसा जो बना हुआ है, इसके लिए तो क्या कहें, मैं कुछ भी कर दूं तो कम पड़ जाएगा, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस जरूर है मेरे दोस्त, कि आपका जब तक पेपर नहीं होता तब तक मैंने अपने सारे पार्टी फंक्शन, सारे रिश्तेदार, सारे नाते, हर जगह से मैंने डिस्टेंस, हर जगह से मैं आपके लिए क्या कहूँ कि सिर्फ माफी ही मांगा है, कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे भाई लोग, हमारे जो भी साथ में जुड़कर प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी हैं, आप सभी के लिए मेरे दोस्त, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ पूजा फंक्शन पाठ यही सब त्यागा है, जरूरत पड़ी तो बहुत बड़ी से बड़ी चीज भी मेरे दोस्त आपके लिए त्याग होगी। आपको पता है कि 2.0 में क्या क्या त्याग हुआ था, और उससे बड़ी त्याग करने के लिए भी मैं आपके सामने तैयार। तो आइए मेरे दोस्त, सर पढ़ाइए प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल मेरे दोस्त आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के लिए ही आया हूं, और बीच में बहुत ज्यादा वार्तालाप नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मॉड देखो, मॉड बराबर क्या होगा, एल प्लस,
fm माइनस एफ वन बाई टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू और इंटू एच। सबसे पहले बहुलक निकालने से पहले हमें मॉड क्लास लिखना है, ठीक है। देखो मॉड क्लास किसे कहते हैं, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा वही अपना मॉड क्लास होगा। तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 27, तो यही क्लास हमारा मॉड क्लास है। मॉड क्लास की फ्रीक्वेंसी को ही एफएम कहते हैं, जस्ट पहले वाले को एफ वन कहते हैं और जस्ट बाद वाले को एफ टू कहते हैं। मॉड क्लास की लोअर लिमिट को हम एल कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हमारा। बहुत अच्छे, आइए अब मेरे दोस्त इस पर बैठाइए। लोअर लिमिट हमारा 20 है और प्लस एफएम कितने हैं 27 और F1 हमारा 23, ठीक है। 2FM 27 और दोनी 54 होगा, माइनस F1 ये हमारा 23 है और F2 ये हमारा 21 है, ओके। और मेरे दोस्त इनटू H करने चले जाएं, तो H अपने पास क्या है, H अपने पास 10 है, तो हम यही देखेंगे ये हमारा 20 है प्लस 4। नीचे हम देख रहे हैं कि 54 और माइनस 44 तो 10 रहेगा, 10 से 10 कट जाएंगे, तो मेरे दोस्त 10 से 10 कट ही जाएंगे तो 4 ही रहेगा। 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहीं से भी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमें फिर से एपी का एक क्वेश्चन सामने दिख गया है, आइए बनाते हैं झटके से। देखिए आठवां पद हमारा -23 है, तो ए प्लस 7d यही हमारा आठवां पद होता है, ओके। अब कह रहे 12वां पद -39, तो a प्लस 11d ये हमारे पास -39 है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए इसको, हमें क्या चाहिए, प्रथम और द्वितीय पद मेरे दोस्त, ये हमारा a से a कैंसिल आउट हुआ, 11 में 7 गया तो माइनस का 4d होगा और 39 में से 23 गया तो ये 16 हो जाएगा, b का मान यहां से माइनस चार आ गया। अब यही डी किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, ए प्लस 7 इंटू माइनस 4 और बराबर ये कितने होंगे -23, ए बराबर हमारा क्या होगा 5। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हमारा ए निकल गया है 5। दूसरा हमें क्या चाहिए, प्रथम पद और दूसरी पद चाहिए, तो प्रथम पद अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा तो 5 ही हो गया और दूसरी पद क्या होगा ए और प्लस डी, तो ये अपना 1 हो जाएगा, यानी 5 और 1 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखो ये क्या है मेरे दोस्त, इसमें हम बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पावर को इंटीजर बना लेना चाहिए जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो। जैसे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि जैसे ये एक्स है मेरे दोस्त और यहां पर एम ऑर्डर की करनी है, तो इसे जब आप लिखोगे ना मतलब इन स्टड्स को हटाना चाहोगे और पावर बनाना चाहोगे, तो देखो एक्स की पावर कुछ नहीं तो एक है ना, कहोगे हाँ सर, एक्स जो इसकी पावर है वो पावर न्यूमरेटर रहेगा और जितना ऑर्डर की करनी है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, रूट दो को दो की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, दो ऑर्डर की करनी होता है, ठीक है। क्यूबिक रूट 3 का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 1/3, ओके। और फोर्थ रूट 4 का मतलब होगा 4 की पावर 1/4, सिक्स्थ रूट 5 का मतलब होगा 5 की पावर 1/6। क्या करना है आप मेरे तो सबके पावर को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। अब किससे मल्टीप्लाई करें ताकि पावर जो है ना वो भिन्न के रूप में नहीं इंटीजर के रूप में हो जाए, इसके लिए 6, 4, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। आप सारे पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 12 से मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 6 होगी, 3 की पावर 4 होगा, 4 की पावर 3 होगी और 5 की पावर 2, सेम चीज से मल्टीप्लाई किए है ना, तो जो बड़ा रहा होगा वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा रहा होगा वो छोटा ही रहेगा, ठीक है। ये देखो हमारे पास 64 है, ये हमारे पास 81 है,
ये हमारे पास मेरे दोस्त, ये भी हमारे पास 64 ही नजर आ रहा है और ये हमारे पास 23 25 नजर आ रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो 81 है, और 81 मतलब क्या, 3 की पावर 4 यानी 3 वाला पॉइंट, और 3 वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और हमें उम्मीद है कि आपने इसे किया होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हो गया होगा चीज, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने आपको यही कहा था कि 11th 12th की जो चीजें हैं वो कौशलेंद्र सर आपको कराएंगे, तो उसे मैं नहीं छेड़ूंगा, ठीक है, आओ, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे देखो, ये आपकी क्वेश्चन है, ये आपका सेट थ्योरी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे दोस्त हमें करना है, क्योंकि 11th 12th के लिए कौशलेंद्र सर को क्वेश्चन मेरे दोस्त दे दिया गया है, और जो उनके अपने रेंज का है, पीजीटी वाले सारे सवाल वही कराएंगे, क्योंकि पीजीटी स्पेशलिस्ट कौशलेंद्र सर है। आओ ध्यान दो, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, आंकड़ों की माध्यिका 63 है, तो एक्स का मान इनमें से कौन होगा। देखिए, अगर हमें इनमें से माध्यिका की बात किया जाए, तो हम देख रहे हैं कि पहले से ही आरोही क्रम में सजाया हुआ है, नहीं रहता है तो सजाना पड़ता है। बात बताऊं, जनरली जब हिडन टर्म होते हैं ना, तो वो खुद ही सजा के दे देते हैं पहले से। टर्म काउंट करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर है ना, तो 4-4 मेरे दोस्त छट जाएंगे, बीच में 2 बचेंगे, और इन्हें ऐड करके जब 2 से भाग दोगे, यही आपका मीडियन हो जाएगा। 1 बचता तो वही मीडियन होता, 2 बचा, इसलिए दोनों को ऐड करके 2 से भाग देना होगा, जो इसके मीडियन के बराबर होगा। तो 2x प्लस 2 और बराबर ये 126, यहां से x का मान आप देखने जाएंगे तो 62 आ जाएगा, तो 62 इसका आंसर हो गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। आइए मेरे दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 धनात्मक संख्या का योगफल 27 है, उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या हो। अब देखिए, हम ये देख रहे हैं 2 संख्या का जो योगफल है, ये मेरे दोस्त हमारा 27 है, ठीक है, और दोनों के स्क्वायर का अंतर हमारा 81 है। तो लीजिए, दोनों के स्क्वायर का अंतर हमारा 81 है मेरे दोस्त, आप ही सोचो ना, दोनों के स्क्वायर का अंतर अगर हमारा 81 है, तब तो कायदे से हम इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख ही सकते हैं। आप कहोगे हाँ, अब दोनों का योग हमारा 27 है, तो 27 से ये कटेगा कितना, 3 बार में, यानी मेरे दोस्त यहाँ से हमारे a माइनस बी का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो लीजिए, a माइनस बी का मान हमारा 3 हो गया है, बड़ी नंबर चाहिए तो ऐड कर दीजिए, 2a बराबर हमारा 30 हो जाएगा, बड़ी नंबर हमारा 15 हो जाएगा, सोचने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 15 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर कितना नंबर इस सेट में आएगा कि हम सेफ जोन में रहेंगे। अगर आपको इस सेट के अंदर मेरे दोस्त 90 के आसपास अगर आ रहा होगा, तो आप सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि अगर इस सेट में आपको 90 के आसपास मार्क्स आ रहा होगा, तो पेपर में आप 100 के आसपास पहुंचिएगा एग्जामिनेशन में, जो कि आप एक सेफ जोन में रहिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी साड़ियों के मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, खरीदार को 10% की छूट भी देता है, इस प्रकार दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत की लाभ होती है। देखिए, आपने पहले खरीदी होगी, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज करके MRP बनाया होगा, और फाइनली इस पर थोड़ा डिस्काउंट देकर आपने बेच दिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर CP 100 मान लेता हूँ, 20% आपने बढ़ाया है, तो 20% बढ़ाओगे, MRP 120 हो जाएगा, इस पर 10% की छूट दोगे, तो 10% की छूट दोगे ना, 120 का 10% तो 12 होता है, 12 छोड़ोगे तो आप 108 में बेचोगे,
यानी 100 का चीज फाइनली 108 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने की होगी? 8% की होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा करने का प्रयास करिए। देखिए इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हम इसमें दो चीज ही सॉल्व करना चाहेंगे, दो को अभी रिजर्व रखना चाहते हैं। मेरा इच्छा है कि मैं पहले मेरे दोस्त इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इनमें से हमें रूट थ्री कॉमन आता नजर आ रहा है, और इसे अगर मैं थोड़ा सजाऊं 10 20 और प्लस 10 10 तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आप कहोगे नहीं सर। अब देखो, अब जब हम इसको देख रहे हैं ना, तो थोड़ी सी एक फीलिंग्स आ रहा है। क्या फीलिंग्स ये आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर 1 माइनस 10 20 × 10 10 से डिवाइड कर दे, और इसी चीज़ से 1 माइनस 10 20 और × 10 10 इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से ये चीज कट के जो पहले से था वही रह जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, लेकिन मेरे दोस्त अब यहाँ देखो, रूट थ्री इंटू अगर मैंने इससे गुना और इससे भाग और गुना किया है तो इससे एक रिजल्ट बनेगा। क्या? 10a + 10b / 1 - 10a × 10b। ये क्या रिजल्ट बन जाएगा? 10 ऑफ एंगल ए और प्लस बी बन जाए। ठीक है, और इंटू जैसे ये हमारे पास 1 - 10 20 और × 10 10 है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए ये हमारा रूट थ्री है, और 10 30 ये भी हमारा 1/√3 है। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे 1 - ये 10, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, 1 - 10 20 और × 10 10 तो रह ही जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि रूट थ्री से रूट थ्री हमारा कैंसिल आउट, ये बच गया ना। अब उसको भी ले आइए, वहां से मेरे दोस्त मैंने छोड़ा था 10 10 और × 10। अब देखिए ये चीज माइनस में प्लस में ये भी खत्म हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेंगे? फाइनली एक बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एक हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए बढ़ते रहिए और काम करते रहिए। अब देखो इसको, ये क्या है मेरे दोस्त? देखो अब यहाँ पर मैं कुछ बच्चों का कमेंट देख रहा हूँ। एक बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, वर्षा सिंह कह रहे हैं कि सर कोई न्यू बैच आ रहा है क्या? ये मैं किस रूप में लूँ, बैंक के रूप में लूँ या फिर सच में आपको बैच की जरूरत है? तो मैं आपको अगर इन्फॉर्मेशन दूंगा, 4.0 के लिए बैच आया है। ठीक है, और बैच चल रहा है 4.0 के लिए, लेकिन 3.0 का तो पेपर बेहद नज़दीक है, उसमें तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरत है तो किस चीज़ के लिए? अगर 3.0 के लिए ज़रूरत होगा, फास्ट रिवीजन में आप आ सकते हैं। ठीक, आइए नहीं साकेत, देखिए कोई भी लोग है ना, टेंशन मत लो, आओ काम करते हैं। काम करोगे सारे चीज आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो ना, हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, हमें कह रहा है इसका मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स है, तो k का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए 4.0 के लिए, 4.0 के लिए अगर आपको मैथ्स का बैच चाहिए तो आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइए, और वहां से आप कुरुक्षेत्र 4.0 नाम का बैच आपके लिए अवेलेबल है, आप आराम से उसमें ज्वाइन कर जाइए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो मूल एक दूसरे का इनवर्स है। तो मेरे दोस्त अगर ये एक को अगर मैं अल्फा मान लेता हूं
तो दूसरा क्या होगा, इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। ये होते हैं एक दूसरे के इनवर्स। अगर दो मूल अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो हमें कहा गया है कि एक मूल जो है वो दूसरे के इनवर्स है, हो गया दूसरे का इनवर्स। ठीक है मेरे दोस्त, एक मूल दूसरे के इनवर्स है, यानी दूसरे को जैसे दो मूल है ना, एक को इनवर्स करोगे तो दूसरे के बराबर होगा, इसी को कहा जाता है एक दूसरे के इनवर्स। ओके, अब यहां से हम देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हमें वन नजर आता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, ये होता है सी बाई ए। सी वो है जिसमें एक्स नहीं लगा, ए वो है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, के स्क्वायर प्लस फोर। भाई ये लिया यहां पर, ये हो जाएगा फोर के और बटे ये के स्क्वायर प्लस फोर बराबर क्या वन। तो आप यहां से देखेंगे कि फोर के बराबर के स्क्वायर प्लस फोर है, के स्क्वायर फोर के को उस पार ले जाओगे तो माइनस फोर के और प्लस फोर बराबर क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, अब यहां से देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा होगा के माइनस टू का, एकदम ध्यान से मेरे दोस्त आपको देखना है, के माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तब तो यहां से के का मान दो नजर आ रहा है ना, के का मान क्या नजर आ रहा है, दो नजर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आप लोग काम करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग भी रहा है और लगातार आप लोग आंसर दे भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक, आइए तो इसका मेरे दोस्त आपके पास एक ही आंसर है और ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। अब आप में से बहुत लोग बिना मतलब का ऑप्शन नंबर डी लगा दिया होगा, जो डी लगा दिया होगा वो तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, अरे एक्स माइनस टू की होल स्क्वायर है तो के माइनस टू की होल स्क्वायर, तो के का मान तो दो ही होगा, तो आप डी आंसर क्यों देने जा रहे हो। चल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साउंड इशू हो गया, ठीक तो है। देखिए 0.12112112112112 डॉट 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 क्या है दोस्त मेरे, आपको मैं एक चीज बताता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और शांत अनावर्ती दशमलव का यही वो रूप है जिसे p by q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए 0.69825368396 है ना 93, मतलब कुछ इस तरह से जाएगा ये जो कहीं पे रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, या तो आपका ऐसा दिखेगा। इसका एक मॉडल ये भी दिखता है 0. क्या मान लीजिए 13113113113111113 डॉट 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 डॉट, ये भी एक विचित्र है, इसमें भी डाटा रिपीट कहाँ है, एक बार है, दो बार है, तीन बार है, चार बार है, पांच बार है, मतलब कॉन्स्टेंट वे में दो दो टर्म रिपीट, तीन तीन टर्म रिपीट, चार चार टर्म रिपीट, ऐसा नहीं है। तो दशमलव का ये जो दोनों फॉर्म है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसे p by q के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, इसलिए मेरे दोस्त इसे अपरिमेय कहा जाएगा, इरेशनल कहा जाएगा, इरेशनल।
आपका सारा कोर्स नहीं चल रहा है, क्या बात है, है? झूठ क्या बोल रहे हो, सब कोर्स चल रहा है। अब जो कोर्स कंप्लीट हो गया वो कोर्स कैसे चलेगा, अब जो कोर्स नहीं कंप्लीट है तो सारा कोर्स चल रहा है, ऐसे काहे बोल रहे हो, है? चलो ध्यान दो, देखो मेरे दोस्त ये कह रहा है 2.3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। अब देखिए मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर आपको देखना है तो मेरे भाई यहां पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होता है, तो आप यहां से देख पाएंगे कि रूट 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखिए, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको देखिए मेरे दोस्त ये क्या है, ये कह रहा है 20% 20% और 10% के तीन लगातार छूट का एकल छूट क्या होगा। छूट दिया जाता है एमआरपी पर और छूट देने के बाद बेच दिया जाता है। अगर आप 20% की छूट देंगे यानी 100 का चीज आप बेचेंगे 80, फिर आप 20% की छूट देंगे यानी कि 100 का चीज आप बेचेंगे 80 में, छोड़िए ना उतना हटाइए ना, 20% का मतलब 1/5 भी तो होता है, तो 5 का चीज 1 का छूट देंगे तो 4 में बेचेंगे, फिर से 20% का छूट यानी 1/5 की, 5 एमआरपी पर 1 छोड़ेंगे तो 4 में सेल करेंगे। मेरे मित्र 10% की छूट का मतलब होता है 1/10 की, यानी कि 10 एमआरपी पर 1 छूट देंगे तो आप 9 में बेचेंगे, है ना। चलिए आइए अब इसको देखते हैं, ये 5, 6, 25 और 10 का ये 250 हो जाएगा और ये 16, 9, 144 हो जाएगा। अब देखिए 2-3 लगातार छूट देने के बाद 250 का 100 का चीज बेचे हैं 144 में, छूट कितने की 6, 4 में 4 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। 106 की आपने छूट दिया है, किस पर, तो मेरे दोस्त 250 पर इंटू 100। अब देखिए 25 दहे का और 25 चौके, अब 4 से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 424/10, एक अंक पहले डेसिमल होगा यानी 42.4 एक्चुअल में ऑप्शन नंबर सी था, जहां से 4 थोड़ा सा मिट गया है तो वही आपका आंसर था। ठीक है, आइए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या लिख रहा है, देखने के बाद हमें नींद आती है। अच्छा अच्छा ठीक है, क्लास नहीं चल रहा है स्पेशल क्लास में सर, जो कि सारा क्लास खरीदे हैं। अच्छा हम देखते हैं कि किस बैच की आप बात कर रहे हो, वो तो 4.0 के लिए बैच आया हुआ होगा, रणभूमि बैच की बात कर रहे हो ना, 4.0 की वो बैचेज हैं। अब वो चल नहीं चल रहा है ऐसा आप कह रहे हो तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे संज्ञान में नहीं है कि, मैं तो ये जान रहा हूँ कि वो बैच चल रही है, फिर भी मैं देख लेता हूँ टेक्निकली हो सकता है कुछ, ट्राई करते हैं। आइए मेरे दोस्त ये क्या है, 10.5 सेमी त्रिज्यखंड कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा मेरे दोस्त कि त्रिज्यखंड का अगर परिमाप आपको फाइंड करना है, एकदम ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड का अगर आपको परिमाप फाइंड करना है एकदम प्यार से ध्यान से देखो, ये त्रिज्या है और ये मेरे दोस्त आपका चाप, ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है मेरे दोस्त, ये पूरा ही त्रिज्यखंड है। अगर हम इसका परिमाप लेने जाएंगे तो क्या होगा, आर प्लस आर 2R तो हो ही जाएगा और प्लस ये आपका मेरे दोस्त L हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या आपका 10.5 है और ये थीटा, थीटा आपका कितना है, तो मेरे दोस्त ये 60 डिग्री। आइए अब ध्यान दीजिए, 2 × R ये हमारा 10.5 हो जाएगा प्लस L, L मेरे दोस्त तो आपको पता है चाप की लंबाई है ना,
थीटा बटे 360 टू पाई आर 10.5 डेसिमल हटाएगा 10 हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, ये आपका 21 हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया है, 2 × 3 = 6, 7 × 21 = 25। तो मेरे दोस्त ये फाइनली होगा 22 × 5 = 110 और बटे 10, यानी ये आपका हो जाएगा कितना 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 32 हो जाएगा। हो गया, आइए बढ़िए। और इसको मेरे दोस्त देखिए, देखिए ये क्या है, हमें ये कहता है कोई भी विषम पूर्णांक होगा जहां Q एक पूर्णांक है। हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि ये 6Q हमें दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर Q एक इंटीजर है, ठीक है, Q एक इंटीजर है, तो आप ये जान लीजिए कि 6Q ये मेरे दोस्त एक इवन नंबर होगा, ठीक है। लेकिन आपको तो ऑड नंबर चाहिए, अगर ऑड नंबर चाहिए तो इवन नंबर में एक ऐड करना होगा, अगला ऑड चाहिए तो मेरे दोस्त लगातार ऑड में दो दो का अंतर होता है, इसमें दो ऐड कर दीजिए 6Q + 3 होगा, ठीक है। अगला ऑड चाहिए, दो और इसमें ऐड कर दीजिए 6Q + 5 होगा, फिर 6Q + 7 होगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आप देख लीजिए ना, एक ऑप्शन मात्र आपको दिख रहा है, क्या ऑप्शन नंबर ए जो 6Q + 1 है, ठीक है, 6Q + 1 है। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और अब बात मेरे दोस्त इसकी करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 21 छात्रों का माध्य भार 21 हो, उनमें से एक 21 kg भार वाले छात्र को हटा दिया जाए, तो उस छात्र को हटाने पर बने समूह का माध्य भार क्या होगा। मित्र मेरे, मैं आपको एक चीज बताता हूं क्या हो गया। अगर किसी समूह का एवरेज 21 हो, मतलब जितना एवरेज और उतना ही उम्र के व्यक्ति को बाहर लेके चला जाओ या अंदर लेके आ जाओ, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 21 साल किसी टीम का एवरेज है तो आप 21 साल के व्यक्ति को बाहर ले जाओ या 21 साल के व्यक्ति को आप अंदर लेके आ जाओ, मेरे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता उनके एवरेज पर, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 111 नंबर क्वेश्चन में थी, तो मेरे साथियों अब आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है ना, और 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है, और यहां से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में मेरे दोस्त क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब कल मिलेंगे, हमारा टाइमिंग 9:30 रात में जो टाइम होता है, 9:30 रात में हम मिलेंगे, और 9:30 रात से आपकी क्लास बिल्कुल ऐसे ही 12, ठीक है, 12 से 1 बजे तक आपकी क्लास चलती रहेगी, 12 PM तक यही आपकी क्लास का रेंज होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हम फिर मिलेंगे कल। तो कल जब हम मिलेंगे तो सुबह वाली सेट का 40 क्वेश्चन लेकर मिलेंगे, और साथ में मेरे दोस्त इसको 30 क्वेश्चन इसे भी जो बच गया है उसको लेकर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, आप लोग तैयारी करते रहे, शुभकामना ढेर सारी है, और कल चूंकि सुबह में सारा क्लास आप लोग का रहेगा तो अपने टाइम से आप लोग सेट देने आइए और क्लास कीजिए। और मैं आप लोगों से फिर एक बात कहूंगा कि प्लेटफॉर्म का जो सुबह में टेस्ट चलता है ना मेरे दोस्त 40 क्वेश्चन की, आप सभी लोग आकर के उस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको बहुत बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच। फास्ट रिविजन कोर्स के अंदर चल रहा है मेरे दोस्त टॉपिक वाइज, आप चाहो तो आप फास्ट रिविजन कोर्स के अंदर अंतिम क्षण में फास्टेस्ट रिविजन कर सकते हो। थैंक यू।